जी मैं जिस तरह से विश्वास राव कहता है ना कि एक दिन मेरे भी बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, तो मैं भी जब एक्टर नहीं बना था और जब मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे भी ऐसे ही ख्वाब थे कि एक दिन मेरा भी पोस्टर लगेगा, मेरी भी फिल्म रिलीज़ होगी। एक्चुअली इट वॉज अ कॉन्शियस सर डिसीजन, यू नो, बर्फी के बाद आई वॉन्टेड टू डू अ कमर्शियल फिल्म, एन एब्सोल्यूटली मसालेदार फिल्म, एंड लाइक द प्रोमोस इज मस्त फिल्म. So I think Phata Poster has all those elements, you know, usme you'll have comedy, romance, drama, action, it's entertaining. मुझे याद है मैं होर्डिंग्स के नीचे खड़े रह के देखा करता था कि यार एक दिन मेरा लगेगा पोस्टर, नहीं लगेगा. तो डेफिनेटली मैं भी उन मोमेंट्स से गुजरा हूँ, मैं भी ऑडिशन देने गया हूँ, मैंने वो सब किया. फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है विश्वास राव. मेरा कैरेक्टर का नाम है काजल, लेकिन सब लोग उसे कंप्लेंट काजल बुलाते हैं क्योंकि शी इज़ अ सेल्फ अपॉइंटेड काइंड ऑफ सोशल वर्कर. और इलियाना का जो कैरेक्टर है वो इज़ कॉल्ड कंप्लेंट काजल इन द फिल्म, जो हमेशा कंप्लेंट लेकर आती है. वो इसको अलग अलग जगहों पे जाके छोड़ देती है गुंडों के सामने और कहती है कि अब तुम इनको हैंडल करो, और उसको ऐसा लगता है कि मुझे फाइट नहीं करनी है क्योंकि अगर उसके चेहरे पे चोट लग गई तो उसकी एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा. एंड शी एक्चुअली इज़ लुकिंग फॉर यू नो सम ईमानदार यू नो भरोसेदार काइंड ऑफ कॉप, एंड शी बम्प्स इनटू शाहिद एंड शी एक्चुअली थिंक्स ही इज़ अ कॉप. सो इट्स वेरी फनी बिकॉज शी जेन्युइनली टेक्स हर जॉब वेरी सीरियसली, शी रियली थिंक्स दैट इट इज़ हर जॉब टू राइट कंप्लेंट्स. एक्चुअली सच्चाई में वो एक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी माँ का सपना है कि वो एक ईमानदार इंस्पेक्टर बने, तो इस वजह से फिल्म में बड़ी सारी कन्फ्यूजन हो जाती है. और वो जब मुंबई आता है तो वो एक्टर बनने की कोशिश में है, लेकिन सब लोग उसको इंस्पेक्टर समझने लगते हैं. तो इज़ एक्चुअली अ फेक कॉप, वो रियल कॉप नहीं है. और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेस यही है कि वो नहीं चाहता कि वो कभी भी किसी लड़ाई या झगड़े में पड़ जाए. मुझे एक्चुअली फिल्म के अंदर बड़े सारे डायलॉग्स अच्छे लगते हैं. ऑब्वियसली मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला सीक्वेंस है जिसमें मैं लैंड करके बोलता हूँ प्याज के छिलको, वो वाला डायलॉग मुझे अच्छा लगता है. शी टेक्स हिम टू अ क्लब और उनमें बहुत सारे गुंडे स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और ये बीच में आ जाके बोलती है कि इंस्पेक्टर ना बिना ब्रेक का बुलडोजर है, एक बार चलता है ना तो रुकता नहीं है. तो ये पीछे से बोल रही है हट रे, क्या बोल रही है, हट जा यहाँ से. सो इट्स रियली फनी. Gee, it's such a hard choice to pick up my favorite song in the film. But I think what I like the most is इस फिल्म में फिलहाल मेरा फेवरेट गाना है धतिंग नाच, मुझे बहुत अच्छा लगता है. I like तू मेरे अगल बगल a lot because it's very different. You know, मैंने काफी songs किए हैं even in the south, but this is such a different song. It's got a new concept. The doggy step is something that everybody likes so much. So that's become one of my favorite songs.